For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hi, this is Anurag Saikia. I'm a film music composer. You are watching Movies Adda. Thank you. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. फिलहाल मेरे साथ एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर हैं जिनकी थप्पड़ की गूंज अभी तक सबके कानों में बहुत अच्छे से सुनाई दे रही है. सो प्लीज वेलकम मिस्टर अनुराग साइकिया. हेलो सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा. हाय, हाउ आर यू? सो आपने जो थप्पड़ लगाया है वो अभी तक लोगों को बड़ी सुरीली आवाज में उनके कानों में बज रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था इस गाने का? तो मैंने कुछ थप्पड़ वप्पड़ नहीं लगाया है. सो सुरों का थप्पड़. हाँ, सुरों का थप्पड़. सुरों का थप्पड़ इज अ नाइस हुक आल्सो. तो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स एंड इट्स अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट्स वेरी सेंसिटिव एंड मैं ये अनुभव सर के साथ, दिस इज माई थर्ड फिल्म आफ्टर मूल कन आर्टिकल 15 एंड आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज नो कि वेन एवर ही ऑफर मी सम प्रोजेक्ट इट्स गोइंग टू बी अ स्पेशल वन. एंड उसका जो जर्नी है फिल्म का, जो उसका द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग ही हैव, तो दैट्स रियली अनमैचेबल एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ ऑल दोस गुड थिंग्स एंड दैट हैपनिंग इन द इंडस्ट्री. अच्छा, हाउ डू यू टेक इट? बिकॉज चाहे मुल्क हो या आर्टिकल 15 हो, थप्पड़ हो, इतनी हार्ड हिटिंग स्ट्रॉन्ग फिल्म्स हैं और इसमें आपने जब म्यूजिक दिया तो सबसे पहले तो क्या रिएक्शन था आपका जब सर ने आपको अप्रोच किया? व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट इन योर माइंड? पहले तो टू वर्क विद अनुभव सर इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. इट्स लाइक वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू ऑल हिज फिल्म सॉन्ग, ऑल तुम बिन हो, कोई फरियाद हो, या इनफैक्ट भरे नैना हो. So to stand beside him is like a dream come true, and to walk in his film is like something else only. Right. And but yes, I think I'm really lucky. I'm blessed ki he have given me all those films that have really created a mark in the Bollywood and the Indian film history. Chahe wo Article 15 ho ya Mulk ho, in fact Thappar also. Yeah, I feel I'm really lucky in that case. जी अच्छा, अगर मैं ऑडियंस के रिएक्शन की बात करूँ, यू नो, सो कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कैसा रिस्पांस मिलेगा? व्हेन यू सी द काइंड ऑफ रिस्पांस दैट यू आर गेटिंग, हाउ डज इट फील? कभी मींस एक्चुअली इतना मैं सोचता नहीं हूँ, बिकॉज व्हेन एवर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट मैं यही ट्राई करता हूँ कि जो भी बनाओ दिल से बनाओ और मेरे लिए एक गाना रिलीज हो जाए वही मेरे लिए बहुत एक सबसे बड़ा चीज़ है. उसके बाद कुछ कुछ गाने लोगों को पसंद आते हैं, कभी नहीं आते, कभी लोगों तक पहुंचता भी नहीं है. तो दैट्स ए डिफरेंट बॉल गेम, सो वो इतना समझ में भी नहीं आते. बट यस, लाइक आई सेड कि गाना रिलीज हो जाता है, उसके बाद जब आप सुबह कभी उठते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक में, कोई बाहर से लोग, इंडिया के बाहर से हो, इंडिया के अंदर से हो, एक अननोन पर्सन जब आपके गाना गुनगुना के कवर करते हैं, लिखते हैं कि बहुत अच्छा लगा, तो वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है. क्योंकि मैं इतना नया हूँ अभी, ये सब मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है. जी अच्छा, अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ ना, सिंगर या कंपोजर या डायरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी आवाज़ को कौन चेहरा देने वाला है. तो आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने इसको चेहरा दिया है, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उनसे मुलाकात हुई या किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उनसे मिलना? या आई हैव सीन दैट जितना भी बड़ा स्टार होता है तो वो इतना ही हम्बल होता है. आयुष्मान के साथ आर्टिकल 15 किया था, उसने गाया भी था मेरा गाना, तो उसको मिलके ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार के लिए मिला हूँ. तो ही मेड मी कम्फर्टेबल एंड ऐसा लग रहा था कि सालों से जानते उसके. एंड तापसी के साथ भी ऐसा है. तापसी के साथ दिस इज थप्पर वॉज माई सेकेंड फिल्म आफ्टर मुल्क. सी वॉज ऑलवेज वेरी कम्फर्टेबल, सी वॉज ऑलवेज वार्म एंड सी हैव प्रमोटेड द सॉन्ग. उसने पर्सनली मैसेज किया कि सी लव द सॉन्ग एंड और क्या चाहिए मीन्स. जी अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ, यू नो, हमने ऐसा सुना है कि हाल ही में आप एक 600 साल पुराना फोक गीत है बोर गीत, उसको भी आप रिक्रिएट करने जा रहे हैं. सो उसके बारे में ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतने पुराने फोक सॉन्ग को रिक्रिएट करना, बिकॉज इट ब्रिंग्स अ लेगेसी विद इट, यू नो, तो उस पर खड़े उतरना, हाउ मच प्रेशर डू यू हैव और आर यू वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट? एक्चुअली इट्स नॉट अ फोक, इट्स एन ओरिजिनल कंपोजिशन. इट्स बाय सीमंत शंकरदेव एंड श्री श्री माधव देव. It's like 600 years old, like you said, and it's passing from generation to generation orally. और लोग अभी भी वो चर्चा करते हैं, लोग सीखते हैं आसाम में.
तो माई थिंग वॉज टू ब्रिंग इट टू द वर्ल्ड ऑडियंस. जितने भी लोग, जैसे आप लोग अभी पूछ रहे हो, दैट इज लाइक ए रियली लाइक ए सक्सेस फॉर मी कि नॉट फ्रॉम असम, यू नो अबाउट दैट वर्ड, एटलीस्ट द वर्ड बोरगीत. कभी ना कभी आप जाके गूगल में सर्च करोगे. सो दैट वॉज माई होल आइडिया कि लोग उसके बारे में जाने. वार वी डी वी वेंट टू मैसेडोनिया एंड वी रिकॉर्डेड लाइक द one of the most prestigious orchestra, like famous orchestra. It's 85 piece of orchestra we have recorded, jo aajkal itna large scale mein hota bhi nahi. In filmon mein bhi hum log nahi karte itna, kyunki zarurat nahi hote, because technically you can increase the number of musicians. But we have dubbed them. I recorded one choir group from Shillong, which is really famous. Our intention was to take it in a global way, taki log jane, log sunne, लोग जाके ढूंढे कि क्या है ये चीज़. बिकॉज इतने सालों से चल रहा है, जब हम लोग बाहर भी गया था तो लोग दे आर लाइक सरप्राइज कि कैसे इतना सालों से चल रहा है, बिकॉज इट्स अ रेयर थिंग. एंड जैसे लोगों को बेथोवन को जानते हैं, मोजर्ट को जानते हैं, लाइक पीपल नो अबाउट शेक्सपियर. तो आई रियली वांट कि पीपल शुड नो अबाउट दिस मेस्ट्रो टू, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड some extraordinary works in Assam. And that also like such years back. So that was the idea. जी अच्छा, अगर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सबसे टफेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है? बिकॉज एज अ लेमैन ऑडियंस हम सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, गाना लिरिक्स लिख देते हैं और गाना बन जाता है, बट इट इज़ नॉट दैट सिंपल द वे इट लुक्स. क्या प्रोसीजर रहता है? पहले स्टोरी आती है आपको, डायरेक्टर स्टोरी नरेट करते हैं, फिर आप सोचते हैं सिचुएशन. तो क्या प्रोसेस रहता है, इफ़ यू वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस? सब इजी होता है एक्चुअली, लेकिन सब इजी होता है. उसके बाद रिलीज होने के बाद जो ये जो इंटरव्यू होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं मेरे लिए. मैं इतना तो करना पड़ेगा, तो मैं इतना यूज तो नहीं हूँ, तो लेकिन अभी करना पड़ रहा है, तो इसीलिए बिकॉज यू माइट बी नोइंग आई एम नॉट दैट कम्फर्टेबल इन द लैंग्वेज ऑल्सो, सो मेरा थोड़ा है. तो बाकी सब इजी है रे, इंटरव्यू थोड़ा टफ है. बट अगर गाने की बात करें, इंटरव्यू तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको इजी करवा देंगे, लेकिन अगर मैं गाने की बात करूँ तो क्या प्रोसीजर होता है? सबसे पहले आप स्टोरी देखते हैं, फिर लिरिक्स बनते हैं, या पहले धुन बनती है फिर लिरिक्स उस पर चढ़ते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर? इट्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर प्रोजेक्ट. कभी कभी जैसे मैंने कारवा किया था, तो कारवा में द डायरेक्टर वाज आकाश खुराना. तो आकाश के साथ मेरा अलग एक इक्वेशन है, ही इज लाइक मोर इनटू लाइक माय ब्रदर. तो जब से फिल्म बनता है, व्हेन ही वाज लाइक विद द स्टोरी, ही हैव नरेटेड मी द स्टोरी, ही टोल्ड मी सर्टेन सिचुएशंस के ऐसा ऐसा है तो गाना बना. और अनुभव सर के साथ अलग होता है. पहले हम लोग धुन बनाते हैं कभी, एंड कभी कभी लिरिक्स आगे आ जाता है, बिकॉज आई हैव वर्कड विद लिरिसिस्ट लाइक शकील आजमी साहब, हु इज आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट वी हैव इन आवर रिसेंट टाइम. तो मुल्क में पहले कभी लिरिक्स हुआ था, पहले जो कवाली हम लोगों ने किया था. एंड सब अलग अलग प्रोसेस होता है. कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे भी आते हैं कि जो आप फेमिलियर नहीं होते. सपोज़ मुल्क का जो कवाली है, कवाली के बारे में बात करते हैं, तो असम एंड कवाली दूर दूर तक बहुत कम रिश्ता है. तो आई वॉज नॉट फ्रॉम दैट कल्चर. तो फॉर डैट फिल्म I went to Nizamuddin, I went to various dargah, I stayed there, I listened to people performing Qawwali. And फिर मुझे समझ में आया कि it's not about the permutation combination of the notes, it's Qawwali is something that you have to have that connection with the Almighty. Nothing else. बाकी instrumentations कुछ भी उसके सामने नहीं, you have to have the connection. जो क्योंकि Bollywood में इतना Qawwali बनता है, but the connection there, Rahman sir's songs, पिया हाजी अली हो या मौला हो, और मिथुन सॉन्ग्स हैव, तो दैट्स अनकम्पेरेबल. तो दैट्स व्हाट आई ट्राइड. एंड बाकी वैसा ही प्रोसेस होता है. कभी कभी लिरिक्स आगे आते हैं, कभी कभी हम लोग धुने बनाते हैं. अभी एक टुकड़ा धूप का पहले मैंने कंपोज किया था. कंपोज करके मैंने ऐसे ही रैंडमली सर को भेज दिया था. आई डोंट नो व्हाई ही लाइक्ड इट, बिकॉज इट्स इफ़ यू हैव लिसन द सॉन्ग, इफ़ यू हैव हर्ड द सॉन्ग, इट्स नॉट दैट. जो हम लोग का टेक्निकल गाने होते हैं, जैसे एक गाने पे हुक लाइन होते हैं, ड्रॉप आता है, वैसा कुछ भी नहीं. इट्स लाइक ए सिंपल मेलोडी, बट आई थिंक इट्स शकील भाई की उसका लिरिक्स आके उसको स्पेशल बना दिया. जी अच्छा, अगर हम बात करें, यू नो, आपके सॉन्ग्स के बारे में बात हो गई, फिल्म्स के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर मैं बोलूँ हर एक्टर की एक ना एक विश लिस्ट होती है कि इस डायरेक्टर के साथ, अनुभव सर के साथ तो आपको बहुत अनुभव ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसके अलावा और ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जो आपकी विश लिस्ट में है कि दैट आई हैव टू यू नो वर्क विद देम? देयर आर सो मेनी डायरेक्टर्स एक्चुअली.
I have worked with Anurag Basu also for a series called Stories by Rabindranath Tagore. It came in Epic Channel. Now I think it's Netflix. So Anurag Da is such a musical director. And मेरा सपना रहता है कि उसके साथ भी फिर से कभी काम करूं. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डायरेक्टर लाइक इम्तियाज अली. एंड मुझे विशाल भारद्वाज जी के साथ काम करने का बहुत मन है, बट वो खुद कंपोजर है. कभी मैं अगर एसिस भी कर सकता हूं तो आई फील आई विल बी लकी एस वन. एंड देयर आर सो मेनी डायरेक्टर्स, संजय लीला भंसाली साहब एंड ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप एंड द होल basically team. All the Anurags of the industry and Vegas Anurag Anubhav, yeah, Joya Akhtar, there are so many sensible directors. अच्छा directors की बात होगी, लेकिन अगर actors की मैं बात करूँ तो कौन से ऐसे तीन या चार actors होंगे जिनके साथ आप definitely collaborate करना चाहेंगे? I was waiting for the question. तो like I said, I was lucky that I was a part of Dangal. Because I was working with Pritam Da at that time, so I got to meet Aamir Khan so. And usi dauran Tube Light bhi chal raha tha. To Tube Light ka ek gana tha, Naach Meri Rani. So I co-produced that song like with other music producer, that was for Salman sir. I think that is your favorite. And of course baki har kisi ka dream hota hai. I follow so much Shahrukh Khan sir. Main filmon se bhi zyada uska interview follow karta hu, because I like the way he talk, his witty answers and his presence of mind, his humor, it's unmatchable. He's very charming, I must say. अच्छा लास्टली जाते जाते मैं बस इतना पूछना चाहूँगी कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो लाइंड अप है पाइपलाइन में है जो कि ऑडियंस को बहुत जल्द देखने और सुनने को मिलेगा? अप्रैल में मेरा एक बहुत स्पेशल सा वेब सीरीज आ रहा है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट. आई कांट रिवील द नेम. एंड देयर आर फिल्म्स हैपनिंग, द सिंगल्स हैपनिंग. आई थिंक दिस ईयर इज गोइंग टू बी स्पेशल. अच्छा आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस टाइम इज really booming for all the individual artists, you know, because music labels aa rahe hain, albums aa rahe hain, there's a lot for the, you know, music genre, kyunki bahut sare individual artists jo hain wo ubhar kar aa rahe hain, underground artists bahut sare bahar aa rahe hain, to aapko lagta hai this is actually a time to boom? Yeah, I mean, exactly, it's like a golden period, right. So because you don't have to be you don't have to be responsible, or aap kisi ke upar aap ye nahi hona chahiye ki मुझे यही करना है कि फिल्मों में ही काम करना है कि ये करना है, बिकॉज लाइफ द होल थिंग हैज़ बिकम वेरी इजी एंड प्रैक्टिकल ऑल्सो, बिकॉज इफ यू वांट टू से समथिंग थ्रू योर म्यूजिक, थ्रू योर आर्ट, थ्रू योर स्टोरीज, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन इट, मेक योर ओन चैनल, जस्ट रिलीज इट, एंड इफ इट्स गुड द वर्ल्ड इज गोइंग टू अप्रिशिएट इट. एंड आई थिंक दिस इज रियली गुड थिंग. दैट्स हाउ मेनी आर्टिस्ट हैज केम आउट, लाइक विपुल छेत्री और बी प्रसन्न और प्रतीक कुहर, ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, इनफैक्ट दर्शन रावल. सो दे हैव रियली क्रिएटेड अ मार्क, एंड दैट्स एन इंस्पिरेशन प्लस एक होप कि इट्स नॉट ओनली द फिल्म शुड नॉट बी ओनली डेस्टिनेशन फॉर एनी आर्टिस्ट. सो इफ यू आर टैलेंटेड, इफ यू आर गुड, do it by yourself, open your channel and release it, and the world is going to appreciate you. Yes, definitely the world will appreciate it, and just like they are appreciating your song. So thank you so much for talking to us, and all the very best for your future project.